मांडा थाना क्षेत्र के नरवर चोखट्टा गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच देवदूत बनकर पहुंचे भाजपा के युवा नेता सर्वेश तिवारी ने बेघर हुए लोगों को ढांढस बंधाते हुए उनके लिए भोजन आदि का प्रबंध किया और कहा कि आज से प्रतिदिन जब तक प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती तब तक एक भी पीड़ित परिवार को कोई समस्या नहीं होने देंगे और ना ही किसी बच्चे को भूखे सोने देंगे, मैं सारा प्रबंध कर आपके बीच पहुंचता रहूंगा। वहीं बाबा तिवारी के आश्वासन पर पीड़ित परिवार की आंखों में खुशियां आ गई। बाबा तिवारी ने उपस्थित पीड़ित परिवार के लोगों से कहा कि उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था के लिए सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से बात हो गई है, वह भी शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। न्यूज़ इंडिया N9 से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट।